नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डीजे सूरज बिहार से। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी वेबसाइट हो, पीएचपी वेबसाइट हो या वेब का वेबसाइट हो या फिर पीएचपी वेबसाइट हो या वेब की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसमें अगर किसी की वेबसाइट कुछ भी कॉपी करके लगाना हो तो कैसे लगेंगे। तो कई सारे दोस्त ने मेरे से सवाल किए हैं कि जो आपके वेबसाइट में लगा हुआ है, ये जो फोटो लगा हुआ है, और कैसे लगा हुआ है, ये कैसे लगाए हैं आप, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट का जो ये फोल्डर कैसे खुलता है, डाउनलोड पे क्लिक करना, मेरा सारा गाना क्यों आ जाता है, सिमर था भोजपुरी होली डीजे सॉन्ग 18 डीजे सूरज सूरज डीजे डॉट कॉम जो लिखा रहा है, ये सब तो कैसे आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक्टर में नाम आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपका आता है, मेरा क्यों नहीं आता, कैसे करें, कैसे लगा, बहुत लोग दोस्तों ने बोला। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो मैं बनाते रहूँ, आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर यूट्यूब चैनल तक इतना बड़ा नाम आपको लिखने में परेशानी होगी, सूरज मिर्जा सपूर आवाज, तो यूट्यूब पे आने के लिए सबसे आसान तरीका मेरा वेबसाइट खोले। वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिंक पे क्लिक कीजिएगा, खुद पे खुद मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो चलिए, ऐसा बातें तो होते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कॉपी करें। एक मेरा वेबसाइट है, ये मेरा दोस्त का वेबसाइट है, वेबपेज साइट पे बना हुआ, webpage.com पे, तो उस पर कैसे इसको कॉपी करना है हम ये बताते हैं आपको। तो आपको मेरे वेबसाइट पे आना है, सूर्य डीजे मिक्स डॉट कॉम पे आने के बाद मैं आपको कंट्रोल प्लस यू दबाना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, कॉपी न्यू सुपर हिट सॉन्ग, ये कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे आना है, जहाँ पे कंट्रोल प्लस यू दबा करके आप छोड़े हैं वहाँ पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आप खोजना है, आप इतने सारे लिंक में कौन सा लिंक है उनका, तो देखिए यहाँ पे है, ये देखिए न्यू सुपर हिट सॉन्ग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आना है। यहाँ से DIV से स्टार्ट हुआ है, DIV बंद हुआ, राइट, यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप कौन सी वेबसाइट खोलना चाहते हो, वेबसाइट खोले। The time is 11 o'clock a.m. बहुत सारे दोस्तों ने बोला बोलते हैं कि आप खोल के दिखाते हैं, लेकिन खुलता नहीं है, गूगल से मोबाइल में नहीं खुलता है। तो मोबाइल में क्यों नहीं खुला, चलिए सबसे पहले आप गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद नेट बहुत स्लो, तो गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे वेब कीज, उनका साइट है, वेब कीज पे लगाना है। तो यहाँ पे वेब कीज लिखना है, वेब कीज डॉट कॉम, और इसे सर्च कर देना है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, हाँ दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे webpage.com गूगल पे लिखने पर आ गया। अगर मोबाइल में भी आप गूगल लिखेगा तो इसी तरह आएगा। तो उसके बहुत सारे दोस्त ने बोलते हैं कि नहीं नहीं आता मोबाइल में, क्यों नहीं आएगा। webpage.com खोलना है आपको, मोबाइल में यूसी मिनी रहता है, यूसी ब्राउजर रहता है, यूसी ब्राउजर पहले खोल लीजिएगा। खोलने के बाद गूगल खोलिएगा, गूगल खोलने के बाद webpage.com खोलिएगा, उसके बाद में वेब कीज यहाँ पे क्रिएट योर ऑन साइट पे क्लिक करना है, ठीक है। योर साइट पे क्लिक करने के बाद में आपकी आपको लॉग इन करने का यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा, तो अपना जीमेल पासवर्ड जो भी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, होम है, लॉगिन रजिस्टर है। अगर जो इस पे वेबसाइट नहीं बनाया वो शुरू वाला पार्ट मेरा देख लीजिएगा, उसमें बताया गया शुरू से बताने के लिए किस तरह से वेबसाइट बनाना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, देखिए फ्री वाली वेबसाइट में यही प्रॉब्लम अचानक आते रहती है, फ्री वाला वेबसाइट फ्री जैसा ही होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको जीमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चर डालना है। मैं मान लीजिए मैं जीमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर कैप्चर डालना है, तो डाल दिया मैं 105154, उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे व्यू मोड है या पैनल मोड है, तो आपको पैनल मोड पे जाना है, पैनल मोड करना है। पैनल मोड पे करने के बाद में अब यहाँ मुझे व्यू पे आना है, व्यू पे आने के बाद दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लगाया हुआ, मैं ही लगाया हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैं लगाया था, तो यहाँ पे मुझे एक और लगाना है, तो कैसे लगाना है। तो चलिए, न्यू सुपर हिट सॉन्ग तो कॉपी किया हुआ मुझे मेरा, में ये तो किया हुआ, यहाँ से तो यहाँ आए थे ना हम लोग दोस्तों, देखिए तो ये तो न्यू किया हुआ ना, न्यू सुपर हिट सॉन्ग वाले तो किया, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको कॉपी मत कीजिए। तो उसमें किया हुआ अगर आपके वेबसाइट नहीं रहेगा तो आप भी कर सकते हैं कॉपी, इसको यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक तो किया हुआ है न्यू सुपर हिट सॉन्ग जो है यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए इनके साइड कहाँ था, हाँ
यहाँ पे देखिए, तो किया ऊपर में, यहाँ पे एक लगा हुआ, इसके नीचे मुझे लगाने, दूसरी लगानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से दूसरी वाली उठाना है फोल्डर को, उठाने के बाद में कॉपी मुझे करना है, कॉपी करने के बाद में यह आ जाना है, आ जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिंक है, पेज है, टेक्स है, HTML टैग कोड है, फाइल अपलोडर है, तो मुझे HTML टैग कोड पे जाना है, जाने के बाद में गो पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा, मेरा नाम लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ से पढ़ते आइए आप लोग, सीधे देखते आइए कहाँ कहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भोजपुरी होली डीजे रिमिक्स सॉन्ग 2018, देखिए, तो मुझे यहाँ पे करना है सिर्फ भोजपुरी डीजे, मैं क्या करूँगा होली को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, अब बच गया भोजपुरी डीजे रिमिक्स, तो अब आगे आइए यहाँ पे देखिए भोजपुरी होली यहाँ पे भी लिखा हुआ, तो यहाँ पे मुझे भोजपुरी होली को करना है, होली हटा देना है, भोजपुरी डीजे सॉन्ग 2018 हो गया, डीजे सूरज यहाँ पे लिखा हुआ, तो डीजे सूरज की जहाँ पे मुझे क्या करना है, डीजे मुस्कान, यहाँ पे मुझे मुस्कान लिख देना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुस्कान कर दिया मैंने, अब आगे आइए, आगे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो नाम तो चेंज हो गया एक्टर में, नहीं एक्टर में यहाँ पे नाम सूरज डीजे मिक्स कर को, तो यहाँ को क्या करना है, मुस्कान लिखना है, डीजे मुस्कान, डीजे मुस्कान, आपका जो भी नाम रहे वो लिखिएगा, आपको ये नहीं बोला मुस्कान ही लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हम तो बता रहे हैं सिर्फ कि ये लिखना है, लिखना है, ठीक है, यहाँ पे डीजे मुस्कान डॉट कॉम कर दिया मैंने, अब मुझे करना है क्या, यहाँ पे देखिए ऑन टॉप कहाँ पे आप रखना चाहते हैं इसको, तो मैं इसे रखना चाहता हूँ, ये तो सुपर हिट सॉन्ग तो यहाँ था, इसी इसके नीचे में रखना चाहता हूँ, पहले वाले के नीचे में, तो मुझे पहले ऑन टॉप का मतलब ऊपर हो गया, और ये आफ्टर, हाँ मुझे यहाँ पे कर देना क्लिक, चलिए दोस्तों तो मैं बताता हूँ आगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक करने वाला यहाँ पे व्यू पे आके देख सकते हैं, व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, तो अब इसे एडजस्ट कैसे करना है, ये बड़ा है छोटा है, इस सब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, और यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दूसरे फोटो डालना है, तो दूसरे फोटो में कहाँ से लाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू भोजपुरी डीजे 2018 डीजे मुस्कान तो लिखा गया है, यहाँ पे डीजे मुस्कान डॉट कॉम भी लिखा गया है, गो टू डाउनलोड भी है, अब मैं गो टू डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी साइट खुल जाएंगे, देखिए मेरा वाला साइट खुल गया, सूरज डीजे मिक्स डॉट कॉम खुल गया, तो मुझे इसको कैसे हटाना है ये सब आप सीख जाइए, अब मैं ये सब बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, तो चलिए आप एडिट पे आइए फिर से दोबारा से, एडिट पे आने के बाद में सबसे पहले यही यही इसी वेबसाइट को एक और खोल लीजिए दूसरी टैब में, न्यू टैब में, हाँ देखिएगा आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद इसको चेंज करना था, तो आइटम पे आना है, आइटम पे आने के बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, इसको चेंज करना था, पहला वाला तो सही था, दूसरे वाले में ई से एडिट होता है, सी से कॉपी होता है, एक से डिलीट होता है, अगर मुझे डिलीट करना रहे, जैसे मान लीजिए मैं पहले वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, तो पहले वाले को डिलीट करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पूछ रहा कि आप रियल में डिलीट करना चाहते हैं या फिर ऐसे रिया से, नो तो मुझे नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है ना, तो नो पे क्लिक करना, मुझे डिलीट नहीं करना है, इसीलिए अगर करना रहता तो यस मैं करता, तो यहाँ पे अब आइए एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद आपको करना क्या है, क्लिक करने से मेरा साइट खुल रहा था ना, तो लिंक चेंज करना, तो लिंक चेंज करने के यहाँ पर देख सकते हैं आप HTTP से सिलेक्ट आपको करना है, सूरज डीजे मिक्स डॉट कॉम सब सिलेक्ट करते हुए आना है कहाँ तक, यहाँ तक आना है बस, जो लास्ट वन है वहाँ तक आना है, एरो का पीछे तक ही, ठीक है, उसके बाद अपने फोल्डर में आना है, आपको कौन सी फोल्डर का लिंक लगाना है, जैसे मान लीजिए भोजपुरी है, ऑल भोजपुरी डीजे, तो मुझे इसकी लिंक लगाना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक कर तो मेरा ये फोल्डर खुले, फिर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे क्लिक कर तो मेरा ये फोल्डर खोले, तो इसका लिंक मुझे चाहिए, तो मुझे ये भोजपुरी का है, तो भोजपुरी का ऑल भोजपुरी डीजे सॉन्ग है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑल भोजपुरी का ही लिंक है, सॉरी ऑल भोजपुरी डीजे सॉन्ग का ही लिंक डालेंगे ना, तब ना मुझे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब ना मेरा साइट ना खुल करके आपका साइट खुलेगा, तो मुझे इसकी लिंक को कॉपी करके करना क्या है आपको, यहाँ पे आना और यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद में फिर आपको फोटो अपलोड करने के लिए मैं बताता हूँ फोटो कैसे अपलोड करें, पहले इसको कर लें, नेट थोड़ा स्लो है दोस्तों इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, हाँ ये खुल गया, खुल जाने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद में कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, आने के बाद में साइट पे ये जो लिंक है HTTP से लेकर suraj.com तक आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे एडिट करना है,
एडिट करने के बाद में दोस्तों अब आपको देखना है कि कौन सी साइट खुल रही है, मेरी साइट खुल रही है या फिर आपकी साइट खुल रही है। तो आप देखिए फोटो है यहाँ पे डीजे न्यू न्यू भोजपुरी डीजे 2018 आ रहा है। यहाँ पे आप गो टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपकी साइट खुलेगा, मेरा साइट नहीं खुलेगा। देखिए खुला आपका साइट, ऑल भोजपुरी डीजे सॉन्ग का फाइल खुल गया ना, इसी का लिंक डाले तो ऊपर से कॉपी करके ना हम लोग यहाँ से उसी वही फोल्डर खुला उसी फोल्डर का। अब चलिए मैं बताता हूँ, अब तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना एक फोटो आ रहा है जो कि मेरा नहीं आ करके, सॉरी आपका नहीं आ करके मेरा आ रहा, तो उस फोटो को चेंज कैसे करें। अब फोटो चेंज करना है, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा, देखिए डीजे सूरज का लोगो बना करके आ रहा, तो मुझे यहाँ पे किसी और का फोटो अपलोड करना है, वो कैसे करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे एक न्यू टैब खोलना है, मान लीजिए जैसे मोबाइल में चला रहा हूँ तो यूट्यूब ब्राउजर खोलिएगा, उसके बाद फिर गूगल खोलिएगा, गूगल खोलने के बाद में आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा imgur.com, imgur.com खोलने के बाद यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप अपना अकाउंट ही बना सकते हैं, लेकिन मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही। तो वहाँ पे न्यू पोस्ट है तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज करना है, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं पवन सिंह का एक फोटो ले लेता हूँ, ओपन कर दिया, कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, 1-2 मिनट, ये देखिए तुरंत हो गया। चलिए यहाँ पे आपको कॉपी करना है, यहाँ पे एक लिंक शो करेगा, देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पे एक खुद पे खुद एक लिंक आया था, उसको यहाँ पे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद आपको आना क्या है अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आना था, इसको चेंज करना था, कॉपी वहाँ से कर लिए दोस्तों। यहाँ पे आइटम पे क्लिक करना है, आइटम पे क्लिक करने के बाद हाँ, तो आइटम पे क्लिक करने के बाद में आपको आना है नीचे, कौन सा चेंज करना था, फर्स्ट वाला तो सही है, तो सेकंड वाला चेंज करना, सेकंड वाला हम बताया था इसे एडिट एडिट करना है। आने के बाद में आपको देखना है दोस्तों कि फोटो कहाँ पर, अभी इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरा सिलेक्ट है, इसमें आपको समझ में नहीं ना आ रहा कि मेरा फोटो है तो कहाँ पे है, कैसे मैं उस फोटो को चेंज करूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका ढूंढने के लिए कि इसमें फोटो कहाँ पे लगा हुआ कैसे मालूम करें, इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ दबाना है। अगर मोबाइल में आप लोग चलाते होंगे तो उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ पे mgo.com देखना पड़ेगा, खोज करके शुरू से पढ़ते आइएगा कहाँ पे लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आए, यहाँ पे देख लिखा हुआ mgo.com, यहाँ देखिए। तो मुझे ए वाली लिंक को ना कॉपी कर, ए वाले लिंक को हटा करके ना यहाँ तक .png, यहाँ के बाद .png लिखा हुआ रहेगा, तो .png तक ना छोड़ देना है, डॉट के डॉट ए डॉट जहाँ तक वहाँ तक ही सिलेक्ट करना है, https से लेकर के डॉट तक ही सिलेक्ट करना है, डॉट को छोड़ देना है, उसके बाद png रहने देना है। तो ये मैं कंप्यूटर से क्या बता रहा हूँ लैपटॉप में, कि आपको कंट्रोल प्लस एफ दबाइएगा, एफ दबाने के बाद यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आएगा, तो यहाँ पर अगर आप mgo.com लिखेगा सीधा ing ऐसे करके लिखेगा तो आपको यहाँ पर बता देगा कि कहाँ पे है, im था ना, img, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट होता जा रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल सिस्टम नहीं देता है कि कहाँ पे, मोबाइल में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो वेबसाइट वाली काम होती है मोबाइल में बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चलिए यहाँ पे https से लेकर के डॉट तक ही है, डॉट से पहले ही सिलेक्ट करके उसको पेस्ट कर देना, कौन सा किसको पेस्ट करना, जो ये फोटो को जो अपलोड किए हैं, अपलोड करने के लिए इसको तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि mgo.com से फोटो को लिंक बनाया जाता है। तो यहाँ से न्यू पोस्ट पे क्लिक करना, फोटो अपलोड करना, कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में आपको आना है यहाँ पे, आने के बाद में पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में एडिट करना है दोस्तों, एडिट कर देना है, एडिट कर देना है, उसके बाद में आपको रिफ्रेश करके देखना है अपनी साइट को, रिलोड करके देखना है अपनी साइट को, मेरे चेंज देखिए पवन सिंह का फोटो आ गया। अब एक चीज़ और सीख जाइए दोस्तों कि यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जो पवन सिंह का फोटो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, सोना सिंह का जो फोटो आ रहा है छोटा आ रहा है, इसको मुझे एक साइज करना है। तो एक ऐसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी आइटम पे आना है, आइटम पे आने के बाद फिर उसी चीज़ में जाना है जहाँ हम लोग एडिट कर रहे थे, यहाँ पे आना है, फिर एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये साइज लिखा होगा, हाइट, देखिए हाइट यहाँ 100% है, और यहाँ पे देखिएगा वेट यहाँ पे इतना है, 100% यहाँ पर भी है, तो मुझे यहाँ पे करना कि 80%, ठीक है, तो 80% मुझे रखना है, तो 80 मैं यहाँ पे कर दिया 80%, और यहाँ पे जो है 100 है।
चलिए 80 इसको रखते हैं, 100 रखते, देखते हैं अपना मिला लीजिएगा कितना क्या करना है, कितना साइज रखना है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे व्यू आ करके, हाँ देखिए मैंने कुछ गलती किया, यहाँ आ गया। मैं बताया था ना कि इसमें एक छोटा सा एरो भी आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ भी गलती कीजिएगा तो दिक्कत आ सकती है। तो मैंने क्या गलती किया देखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे चला गया, इसके लिए अब मुझे देखना पड़ेगा मैं क्या गलती किया हूँ। ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम लोग थे, वापस एडिट में आते हैं। एडिट में आने के बाद में मैं यहाँ पे दिक्कत किया था ना हाइट के पास, तो मेरा से एक कॉमा छूट गया था इसका, अब यहाँ पर मुझे 80 करना था ना, अब मैं इसको 80 करता हूँ, 800 हो गया 80। चलिए ठीक है, अब देखिए एडिट करके सही तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी दूर आ रहा ना, इसको मैं सही करता हूँ। हाँ दोस्तों तो देखना है, मैं इसे बड़ा छोटा कर रहा था वो सही हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हाइट जो है मेरा यहाँ पे 100 है, तो मुझे इसे मैं 80 कर देता हूँ, तो 80 कर दी यहाँ पे। अब मैं एडिट करता हूँ, अब व्यू पे आके देखना है, देखिए छोटा होगा फोटो, ये सोना सिंह से भी ज़्यादा छोटा होगा, तो मुझे बराबर करना है ना, तो आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है मैं कितना बताऊँ, इसमें आप माइनस कर लीजिएगा कम बेसी करके, इसमें था ना अभी आए थे। फिर से आइटम पे आना है, आइटम पे आने के बाद में फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में 80 क्या था यहाँ, मैं 90 करता हूँ, तो मैं 90 कर दिया। अब देखता हूँ फिर भी हल्का बड़ा है, अगर यहाँ पे 85 करना पड़ा तब सेम टू सेम आएंगे। चलिए आप माइनस कर लीजिए खुद पे किस तरह क्या करना क्या नहीं करना, मैंने तो अब तो बात तो समझ ही गया, किसी के साइड से कुछ भी कॉपी करनी हो क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉपी करना है, इसके बाद कंट्रोल यू दबाना है, यू दबाने के बाद में यहाँ पे सोर्स कोड खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको क्या कॉपी करना है वो सिलेक्ट करके कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गूगल पे आना है, गूगल पे जो भी वेबसाइट है आपका वेबसाइट खोल लेना है, उसके बाद लॉगिन हो जाना है, लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पे आना है डब्ल्यू एक्स एम एल कोड में जाना है, एच टी एम एल कोड में, एच टी एम एल कोड में जाने के बाद पेस्ट करना है, एडिट करना है, एडिट करने के बाद में सिलेक्ट करना है, उसके बाद लिंक कॉपी करना है, अपने साइट का लिंक डालना है, उसके बाद में यहाँ पे आना है एमगो डॉट कॉम पे आना है, एमगो डॉट डॉट कॉम के बाद आने के बाद यहाँ पे आप न्यू पोस्ट पे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड इमेज करके अपलोड इमेज कर सकते हैं, ब्राउज करके यहाँ से कोई भी फोटो लेकर के अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड जब हो जाएंगे तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, लिंक अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी अपलोड नहीं हो, आ गए यहाँ पर कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में फिर आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाने के बाद में वहाँ एमगो डॉट कॉम जहाँ पर रहेगा वहाँ उसको पेस्ट कर देना है, HTTP लिखा हुआ रहेगा वहाँ से लेकर के डॉट पहले तक, डॉट से पहले तक उसका PNG तक छोड़ देना है, उसके बाद में एडिट कर देना, हो गया बस इतनी सी आसान थी। चलिए इसके बाद मैं आप लोग को एक FLP देने वाला हूँ जो कि छठ का है, छठ सॉन्ग का है, जो बिल्कुल पियानो बजाया हुआ रहेगा, पियानो मिक्स रहेगा, उसका FLP देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखते रहें, उसको आपको मैं दूंगा, मैं अपने हाथों से जो बजाया हूँ वो मैं दूंगा, और बहुत जल्द मैं एक ही जो कैसे मैं उसको बनाया हूँ, कैसे रिकॉर्ड किया हूँ पियानो बजा करके, उसकी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, शेयर करें, अगर बात नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करें, या कॉल भी आप कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे वेबसाइट पर दिया हुआ रहेगा। किसी चीज़ के लिए अगर आपको कोई भी सॉन्ग का ट्रैक लेना रहेगा नए या पुराने का, एकदम कॉपीराइट की फुल गारंटी रहेगी, यूट्यूब की कॉपीराइट नहीं आएगी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है आप ले सकते दोस्तों, चलिए थैंक यू।